पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने एयरपोर्ट के कर्मचारियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। मंगलवार को एयरपोर्ट पर उन्हें अपनी दवाइयों को कूड़ेदान में फेंकने के लिए कहा गया। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। अकरम 1997 से टाइप एक डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं। तब वे पाकिस्तान के एक कप्तान थे। दिन में कई बार इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। अकरम ने ट्वीट किया, मैं एयरपोर्ट पर आज मेरा दिल भर में इंसुलिन के साथ सफर करता हूं और आज जो यहां हुआ इससे मेरा दिल टूट गया। मैं काफी प्रताड़ित महसूस कर रहा, मुझसे काफी बेरोकी से बात की गई और सार्वजनिक रूप से इंसुलिन को इसके कोल्ड केस से निकाल कर प्लास्टिक बैग में रखा गया। एयरपोर्ट प्रबंधन दवाओं की सही देखभाल नहीं की। 53 साल के अकरम हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स में हुए आईसीसी वर्ल्ड कप के कमेंट थे। अकरम ने कहा, एयरपोर्ट प्रबंधन ने उनकी डायबिटीज की दवाओं की सही तरह से देखभाल नहीं की। अकरम ने पाकिस्तान के ये 104 टेस्ट में 414 और 356 वनडे में 5 और 2 विकेट।